हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे बिना प्याज, बिना टमाटर और बिना हरी मिर्ची के तुरई की सब्जी। ये दोस्तों सीजनल सब्जी है जो आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों ये हेल्थ के लिए भी काफ़ी फायदेमंद है, ये हमारे जोड़ों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है और हमारे ब्लड सर्कुलेशन को लेवल में बनाए रखती है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं बनाना। हमने ली है आधा किलो तुरई, जिनको हम बीच में से काट लेंगे, ये क्योंकि ये काफ़ी लंबी होती है और आप देख सकते हो कि ये कितनी कच्ची भी है, ये बीज वाली तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो इनको हमने दो भागों में कर लिया है। अब हम पीलर की मदद से इनको छील लेंगे। इसका ऊपर का पार्ट हम हटा देंगे क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। तो यहाँ हमने सभी तुरई को छील लिया है और आप देख सकते हो कि इसका कितना वेस्ट पार्ट निकला है। तो इसको हम एक पानी से धोकर इसको हम सर्कल में काट लेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी साइज़ देना चाहो दे सकते हो। सभी को हमने गोल साइज में काटा है और आप देख सकते हो कि इसमें बीज तो बिल्कुल नहीं है, एकदम कच्चे हैं। ऐसी ही तुरई टेस्टी होती है। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिया है खूब सारा लहसुन, लगभग 10 से 15 कली। इसको हम ओंकली से कूट लेंगे। इसका हमें फाइन पेस्ट बिल्कुल नहीं बनाना है, सिर्फ दरदरा कूटना है। यहाँ आप देख सकते हो कि लहसुन को हमने कूट लिया है। मैं आपको एक बार चम्मच से निकाल कर दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, सूखे मसालों में हम ले लेते हैं 1.5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हो। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 स्वाद अनुसार नमक और इनको हम पानी डालकर इनका पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पेस्ट बनाएंगे। सूखे मसालों का पेस्ट हमारा तैयार है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमने लिया है एक पैन, इसमें मैंने पहले से ही 1.5 चम्मच तेल डाल के रखा था और इसे हम गर्म होने के लिए रख देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा और इसको हम भुनने देते हैं। 1/2 चम्मच राई, इसको भी हम चटकने देते हैं। चुटकी भर हींग, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटी हुई तुरई और इसको हम कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे फ्राई नहीं करना है क्योंकि ये बहुत ही जल्दी गलने वाली सब्जी है और ये पानी भी ज़्यादा छोड़ती है। सब्जी हमारी फ्राई हो चुकी है तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कूटा हुआ लहसुन। इसको हमें कम से कम 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि इसका हल्का सा कच्चापन निकल जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे सूखे मसालों का पेस्ट जो हमने पहले से ही रेडी करके रखा था। और इसको भी हम लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। इसे हमें कम से कम 2 मिनट तक भूनना है जिससे कि हमारे मसाले का पानी अच्छे से जल जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है तो अब हम इस पर ढक्कन लगाकर कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। इस समय दोस्तों हमें गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है। तो चलिए अब हम इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो कि सब्जी हमारी अच्छे से पक चुकी है और इसको हम एक बार चलाते हुए चेक कर लेते हैं कि कहीं नीचे से चिपकी तो नहीं है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1/2 कटोरी से भी कम पानी। ये दोस्तों ऑप्शनल है, आप अगर डालना चाहो तो डाल सकते हो।
इससे क्या होगा कि थोड़ी ये लूज हो जाएगी तो खाने में आसानी रहेगी। तो सब्जी हमारी पककर रेडी हो चुकी है, तो अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, एक चम्मच के करीब कसूरी मेथी, हाथों से अच्छे से मसल कर डालेंगे। तो सब्जी हमारे सर्व करने के लिए रेडी है, तो हम इसे बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी चटपटी और मसालेदार बनी है, आप भी ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आज की ये तुरई की सब्जी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।